बूढ़ी दादी की सोने की मुर्गी। सुमित्रा नाम की एक औरत थी जो हमेशा बहुत मेहनत के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करती थी। अब वो धीरे धीरे काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपना सारा काम अपने बेटे को सिखाती है। अब उसका बेटा और बहू व्यापार चलाने लगते हैं। वे भी मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं। अपनी बुढ़ापे के कारण अब सुमित्रा दिन रात घर में ही रहती और आराम करती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने हाथ से चुपचाप बैठकर एक मुर्गी बनाई, उसे सुनहरे रंग का रंग दिया और अपने एक टेबल पर रख दिया। अब सुमित्रा हर रोज उस मुर्गी को दिन में 10 बार देखती और दोबारा एक गठरी में बांधकर रख देती। ये प्रक्रिया वो हर रोज करीब 10 बार करती थी। ऐसा करते हुए एक दिन सुमित्रा की बहू उसे देख लेती है। हाय राम, माजी के पास सोने की मुर्गी। सारा दिन तो माजी आराम करती है, सारा सोना दबा कर बैठी है और हम पति पत्नी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाय राम, मेरे तो हाथों में छाले तक पड़ गए रे। सुमित्रा की बहू यशोदा ये बात उसके बेटे को बताती है। सुना तुमने, मैंने देख लिया है तुम्हारी माँ के पास सुनहरी मुर्गी है, फिर भी हमें ये 2 टके का काम करना पड़ रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, माँ के पास कोई भी सोने की चीज नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन दोनों को बात करता हुआ एक चोर सुन लेता है। दोनों लगातार सुनहरे मुर्गी का नाम लेते जा रहे थे। मूर्ख कहीं के, लड़ाई भी सड़क के बीचों बीच कर रहे हैं, आज रात इन्हीं के घर में सफाई हो जाएगी। रात में चोर आता है और सुनहरी मुर्गी की तलाश करने लगता है। चोर को मुर्गी मिल जाती है लेकिन घर से बाहर टापते हुए उसकी मुर्गी हाथ से छूट जाती है और टूट जाती है क्योंकि वो तो मिट्टी की थी। तुरंत दादी उठ जाती है और शोर मचाती है। अरे कोई है, जल्दी आओ, घर में चोर घुस आया है। सुमित्रा का बेटा बाहर आता है, बहू भी वहीं खड़ी हो जाती है और चोर दुम दबा कर वहाँ से भाग जाता है। टूटी हुई सुनहरी मुर्गी देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। सुमित्रा का बेटा टूटी हुई मुर्गी को उठाता है और अपनी माँ को कहता है। माँ, ये क्या है? सुमित्रा अपने बेटे से कहती है। अरे बेटा, सारी उम्र इसी मिट्टी के साथ जिया है, सोचा एक प्यारी सी मुर्गी बनाकर अपने हाथों से उसमें रंग भरकर अपने पास रखूं एक याद के तौर पर मुझे क्या मालूम था इसका सुनहरा रंग ही हमारे घर में एक चोरी का कारण बन जाएगा रे। सुमित्रा की बहू ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। सुमित्रा का बेटा अपनी पत्नी से कहता है। देख लिया तुमने, माँ बहुत भोली है, उसके पास कोई सच्चा सोना नहीं, अगर सोना है तो मैं हूँ उनका अच्छा और सच्चा सोना जो उन्होंने तुम्हें दे दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा की बहू को बहुत पछतावा होता है। वो अपनी सास से माफी मांगती है, अपने पति से माफी मांगती है और घर में फिर से खुशहाली छा जाती है और सभी प्यार से रहने लगते हैं। हमें बेवजह कभी भी रंग के आधार पर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे जिनके पास जादुई शक्तियाँ थी। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी, वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा। अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो, जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते, सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है।
ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है, मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश, तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ, देखो अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा, अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा, और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा, और अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियाँ हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है, और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं। एक दिन लोमड़ी और कुत्ता लड़ लड़ कर परेशान कर चुके थे। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि दोनों को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और लोमड़ी और कुत्ते से पूछता है, बात क्या है, इतना झगड़ा आखिर क्यों, क्या हुआ है लोमड़ी? लोमड़ी राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं? ये जो कुत्ता है ना, ये हर रोज मेरे आम खा जाता है। मैं जगह जगह से बहुत सारे मीठे मीठे आम तोड़ कर लाती हूँ और ये मेरे सारे आम खा जाता है, और कहता है कि इसने ऐसी चोरी नहीं की बल्कि मैंने इसके आम चुराए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसका कोई आम नहीं चुराया बल्कि इसने मेरे जमा किए हुए सारे आम खा लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, इसीलिए झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है आम ढूंढने में, ये तो लोमड़ी है, मैं तो कुत्ता हूँ, भला मुझे आम तोड़ने में भला सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी ना। राजा शेर दोनों की बात सुनते हैं लेकिन कौन सच कह रहा है ये सोचने में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर कबूतर पर पड़ती है और वो कबूतर से कहते हैं, अरे बोलो कबूतर, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? बहुत आसानी से महाराज, आप मेरे साथ जादुई पेड़ के पास चलिए, इन दोनों को भाई लेकर चलते हैं, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वहाँ पर जादुई आम लटके हुए हैं, इन दोनों में से जो भी सच कह रहा है वो तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे ही आम को काटेगा सारे दांत टूट जाएंगे उसके। राजा शेर कुत्ता और लोमड़ी को लेकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कुत्ता झूठ बोल रहा था इसीलिए वो जादुई पेड़ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज देखा आपने, ये जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं, मैं काट कर अभी बताती हूँ। जादुई पेड़ का आम लेकर जैसे ही लोमड़ी काटती है वो आम आराम से कट जाता है और उसके दांतों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कुत्ता ही उस बात का गुनहगार था और वो झूठ बोल रहा था, इसीलिए हमें कभी झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एक दिन गैया अपने छोटे से बछड़े को समझा बुझाकर किसी काम से चली जाती है। बेटा मैं जरा काम से जा रही हूँ, घर पर ही रहना, खबरदार अगर तुम घर से बाहर निकले, आजकल बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप घूम रहे हैं जंगल में,
किसी ने तुम्हें डस लिया तो? अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, अगर काम जरूरी ना होता तो मैं ना जाती। असल में तुम्हारी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उसका हालचाल पूछने दूसरे गांव जाना होगा। मुझसे वादा करो तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। माँ मैं वादा करता हूँ, मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखूँगा। गैया अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है, मगर पीछे से बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बछड़े का मन बाहर निकलने का करता है। माँ तो अभी तक घर नहीं आई, थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जाता हूँ मगर घूमने नहीं जाऊंगा। बछड़ा बाहर मीठी मीठी हवा खाने लगता है। अचानक उसका ध्यान एक सामने बड़े से बाग पर जाता है, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर अमरूद लगे हुए थे। क्यों ना दो चार अमरूद पकड़ कर खा लूं? माँ को आने में अभी वक्त है। बछड़ा जैसे ही अमरूद की तलाश में आगे जाता है, अचानक तेज बारिश होने लगती है। बछड़ा भीग जाता है। मैं क्या करूं? माँ, माँ। एक भालू दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो तुरंत दौड़ता हुआ बछड़े के पास आता है, उसे घर के अंदर ले आता है। अरे बेटा, तुमने तो बहुत बड़ी शैतानी कर दी। लगता है घर पर कोई नहीं है और तुम बारिश में भीग रहे थे। बछड़ा अपनी गलती की माफी मांगता है और भालू को सारी बात बताता है। इतनी देर में बारिश बंद हो जाती है और गैया अपने घर लौट आती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई माँ, आज अगर भालू मामा ना होते तो शायद मुझे बुखार हो जाता और मुझे आप माफ भी ना कर पाती। कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी गलती से सीख ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई भालू।